ब्रिट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। लास्ट क्लास में हम लोग सेंटेंस के बारे में चर्चा किए थे, उसके काइंड्स को लेके। आज हम लोग फिर सेंटेंस के कुछ काइंड्स को लेके ही चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। तो जरा सा इसका कंसेप्ट ले लें। हम लोग चर्चा पहले से कर चुके हैं कि एक सेंटेंस को अगर आप बड़ा करते हैं, उसमें कनेक्टर को जोड़ जोड़ के, तो हर एक सेंटेंस का जो हर एक पार्ट होगा, उस पार्ट को हम लोग क्लाउज बोलते हैं। जैसे आप एक ही सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ही इज रिच बट सी इज पुअर, तो ही से लेके पुअर तक का पूरा आपका क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस में कितने क्लाउजेज हो गए, टू क्लाउजेज हो गए। तो उस तरह से अगर आप देखें कि एक सेंटेंस अपने अंदर कितना क्लाउज कंटेन कर सकता है, उसके हिसाब से सेंटेंस के काइंड्स को हम लोग अलग अलग नाम दे सकते हैं। एक सेंटेंस अपने अंदर कितना क्लाउज कंटेन कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस के काइंड्स को अलग अलग नेम देते हैं। तो उसी हिसाब से ये आपका नेमिंग है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, मिक्स्ड। इससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को कंसेप्ट लेना पड़ेगा क्लाउज का। तो क्लाउज होता क्या है, इससे तो पहले से ही आप रूबरू हैं, मैंने पिछले क्लास में इसकी चर्चा भी की थी। तो क्लाउज जो होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्लाउज आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसका कि क्या होता है, एक मीनिंग होता है। और अगर आप यूं कहें तो ये एक सेंटेंस ही होता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, लिखे दिस इज अ बॉय, तो ये क्या है, एक सेंटेंस तो है ही। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाउज क्लाउज किधर है इधर, तो आप कहिएगा ये सेंटेंस जो है ये एक क्लाउज का है, यानी ये सिंगल क्लाउज का सेंटेंस है। अगर आप बोलते हैं दिस इज ए बुक बट दैट इज ए पेन, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। और इस सेंटेंस में कितने क्लाउजेज होंगे, तो टू क्लाउजेज होंगे। तो इस तरह से क्लाउज का कंसेप्ट है। और इस हिसाब से क्लाउज को हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, प्रिंसिपल क्लाउज और सबॉर्डिनेट क्लाउज। तो क्लाउज तो आप समझ ही रहे हैं, इस क्लाउज में आप जरा सा यहां देखें प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट को आप समझें। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, चीफ, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते तो मेन हो गया वो। सबॉर्डिनेट जो उनके अंदर होते हैं, अगर आप प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट टर्म को समझना चाहें तो आप स्कूल में देखे हो, प्रिंसिपल जो हमारे होते हैं वो मेन होते हैं, चीफ होते हैं, और उनके अंदर जो भी टीचर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, वो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सबॉर्डिनेट क्लाउज। तो इस तरह से एक कंसेप्ट हमारा बनता है कि प्रिंसिपल को अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस लागू करना है, कुछ करना है, तो वो खुद ही चीफ होते हैं, वो अपने से ये काम कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जो सबॉर्डिनेट होते हैं, वो अगर कुछ भी करना चाहेंगे तो वो डिपेंड करेंगे किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल से उनको ऑर्डर लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल जब फाइनलाइज करेंगे तब वो मानेंगे। तो इस तरह से प्रिंसिपल जो होते हैं अपने आप में होते हैं, और सबॉर्डिनेट जो होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लाउज का मतलब है कि ये डिपेंड होगा। तो डिपेंड, चूंकि क्लाउज का जब टाइप सी टू होता है, प्रिंसिपल और सबॉर्डिनेट, तो सबॉर्डिनेट क्लाउज किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लाउज पे। और किस बात के लिए डिपेंड करेगा, अपनी आइडेंटिटी के लिए ही डिपेंड करेगा। और किसी भी क्लाउज, किसी भी सेंटेंस की अपनी आइडेंटिटी क्या होती है, उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी मीनिंग होती है। तो सबॉर्डिनेट क्लाउज अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पे डिपेंड करेगा। यानी आप इसको इस तरह से कहें कि अगर एक सेंटेंस में ढेर सारे क्लाउजेज हैं, तो क्लाउज तो आप निकाल ही दीजिएगा, कनेक्टर से एंड और बट से इफ व्हेन, इन सारे से ऐड कर करके आपको क्या करता है, सेंटेंस बड़ा करता है, वो आपका क्लाउज होता है हर एक पार्ट। उसमें अगर आपको कहा जाए बताइए तो भाई कौन सा प्रिंसिपल क्लाउज होगा और कौन सा सबॉर्डिनेट क्लाउज होगा, तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल क्लाउज की अपनी जो आइडेंटिटी होती है, अपनी जो मीनिंग होती है, वो अपने आप में क्लियर होती है। इसके लिए प्रिंसिपल क्लाउज को किसी और पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सबॉर्डिनेट क्लाउज जो होता है, इसको अपने मीनिंग के लिए किसी ना किसी पे डिपेंड करना होगा। और इसको अगर हम लोग यूं कहें कि किसी ना किसी पे डिपेंड करना होगा, इसका मतलब है कि इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं है, इसका मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लाउज आपका मेन क्लाउज हो जाता है, यानी जिसका मीनिंग अपने आप में क्लियर है। एक सेंटेंस में अगर ढेर सारे क्लाउजेज हैं और सारे क्लाउजेज को आप अलग अलग करते चले जाइए, हम लोग यहां आएंगे तो इसको करेंगे, आप सारे क्लाउजेज को अलग अलग करते चले जाइए।
तो प्रिंसिपल क्लाउज जो आपका होगा उसको आप उससे अलग करके भी अगर बोलें तो उसका मीनिंग अपने आप में क्लियर है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होगा अगर आप उसको उससे अलग कर देते हैं तो उसका मीनिंग जो होगा अपने आप में क्लियर नहीं होगा। जैसे हमारा घर है, हमारी फैमिली है, इसमें जो हमारे मेन होते हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक रिकॉग्निशन है। लेकिन हम सारे लोग जो फॉलोअर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अपनी पहचान उनसे होती है, तो ये जरूरी होता है। अब आप यहाँ पे एक एक करके देखें। सिंपल सेंटेंस जो आता हो का सिंपल सेंटेंस होता है, ये आपका सिंगल होगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब कम से कम होना चाहिए, आप उसको सिंपल सेंटेंस कह दीजिएगा। जैसे आप देखिए ही रीड्स, आपका ये हो गया सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्लाउजेज होंगे, आप यहां पे देखें ही इज पुअर वन क्लाउज, सी इज रिच सेकंड क्लाउज, टू क्लाउजेज हैं। और इसमें जो ये दोनों क्लाउज होगा ये आपका होगा प्रिंसिपल क्लाउज। आप ही इज पुअर बट सी इज रिच कहते हैं तो यहां से लेके यहां तक आपका एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन आप इस दोनों को अगर अलग भी कर देते हैं, कहते हैं ही इज पुअर तो मीनिंग अपने आप में क्लियर है, कहते हैं सी इज रिच तो मीनिंग अपने आप में क्लियर है, अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो टेक्निकल टर्म में अगर कहा जाए तो कंपाउंड सेंटेंस में जो होगा कम से कम टू प्रिंसिपल क्लाउजेज होंगे। कंपाउंड सेंटेंस जो आपको बनता है वो किससे बनता है? प्रिंसिपल क्लाउज से। कंपाउंड सेंटेंस का जो कंपोनेंट पार्ट होगा, जो क्लाउज होगा, कंपोनेंट क्लाउज जो होगा, आप उसको जब निकालते जाइएगा तो वो सारा क्लाउज आपका कहला जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज, यानी उनकी आइडेंटिटी, उनकी मीनिंग अपने आप में क्लियर हो जाती है। अब कंप्लेक्स आइए, नाम ही इसका कंप्लेक्स है। इसमें जो है आपका, फिर आप इस सेंटेंस की बात कीजिए तो एक क्लाउज आपको यहां दिख रहा है और एक क्लाउज आपको यहां दिख रहा है। If you study, you will pass. Two clauses आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें फिर आप आइए तो आप अगर you will pass कहते हैं तो meaning अपने आप में clear है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन if you study, अगर आप study करते हो तो यहाँ तक जाके आप sentence पे full stop नहीं लगा सकते, ये आपका complete नहीं होगा। तो ये आपका तो principal clause हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज, क्योंकि इसका मीनिंग तभी क्लैरिफाई होगा जब इसके आगे आप इस सेंटेंस का यूज कीजिएगा। तो कंप्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज तो होना ही है। किसी भी सेंटेंस में आप सिंपल की बात करें, कंपाउंड की बात करें, कंप्लेक्स की बात करें, मिक्स्ड की बात करें, प्रिंसिपल तो होना ही है। अब एक उस प्रिंसिपल क्लाउज के साथ कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लाउज ही होना चाहिए, केवल सिंगल से काम आपका चलेगा। कंपाउंड सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लाउज का ही कॉम्बिनेशन होगा। कंप्लेक्स सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लाउज होगा और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, इतनी डिमांड इसकी है, यानी एक प्रिंसिपल क्लाउज और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज, इतना तो होना ही चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे कंप्लेक्स सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस जो होता है वो कंपाउंड और कंप्लेक्स का मिक्सिंग होता है। मिक्स्ड सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड और कंप्लेक्स का मिक्सिंग। तो इसमें कंपाउंड भी होगा और इसमें कंप्लेक्स भी होगा। तो कंपाउंड भी होगा और कंप्लेक्स भी होगा, इसका मतलब प्रिंसिपल भी होगा, सबऑर्डिनेट भी होगा और प्रिंसिपल एक से ज्यादा होंगे, तब तो कंपाउंड सेंटेंस का एग्जिस्टेंस वहां पे फाइनल हो पाएगा। जैसे आप यहां पे देखें कितने क्लाउजेज हैं, पहले आप ये देखिए, इफ यू स्टडी वेल आपका एक क्लाउज है, यू विल पास आपका दूसरा क्लाउज है, क्लाउज नंबर वन, क्लाउज नंबर टू और ये क्लाउज नंबर थ्री। तो तीन क्लाउज इसमें है आपके। इसमें आप देखिए इफ से स्टार्ट है, इफ यू स्टडी वेल, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं कि इससे स्टार्ट हो तो कंपाउंड, इससे स्टार्ट हो तो कंप्लेक्स, इससे स्टार्ट हो तो प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट, ऐसी कोई बात नहीं। आप केवल उसके एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी मीनिंग को देखें कि क्या इतनी बातें हम कहते हैं और मीनिंग अपने आप में क्लेरिफाई हो रहा है कि नहीं। तो इफ यू स्टडी वेल कह के आप मीनिंग को क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। यू विल पास अपने आप में क्लियर हो ही सकता है, तो प्रिंसिपल क्लाउज। योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी, प्रिंसिपल क्लाउज, तो प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज तो आपको हो ही रहा है और एक क्या हो रहा है आपको, सबऑर्डिनेट क्लाउज भी हो रहा है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस कितने क्लाउजेज को अपने अंदर किस तरह से रख रहा है, इसके हिसाब से हमारे सेंटेंस के फोर काइंड्स होते हैं। एक सेंटेंस अपने अंदर कितना क्लाउज रख रहा है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि क्लाउज को मिला देने से सेंटेंस बनते चला जाता है, तो आखिर किस तरह का क्लाउज रख रहा है, कितना क्लाउज रख रहा है, इसके हिसाब से आप सेंटेंस का नेमिंग क्या कीजिएगा, तो ये आपका पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग जरा टेक्निकली देखें तो सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाउज हो जाता है, आपका काम हो जाता है।
कंपाउंड में क्या होगा, दो प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम तो होना है। कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबोर्डिनेट क्लॉज तो होना है। मिक्स्ड में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल तो एक से ज्यादा होना है और सबोर्डिनेट भी होना है। तो इस तरह से एक सेंटेंस कितना क्लॉज अपने आप में कंटेन कर रहा है उसके हिसाब से सेंटेंस का ये काइंड्स होता है। तो कुल मिला के आज के क्लास में हम लोग देखे तो 6 टर्म से रूबरू हुए हैं। एक आपका क्या है क्लॉज, इससे हम लोग रूबरू पहले ही हुए हैं। और क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं भाई, प्रिंसिपल क्लॉज और सबोर्डिनेट क्लॉज। किसी क्लॉज का मीनिंग अपने आप में क्लियर है तो प्रिंसिपल, किसी क्लॉज का मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं, कुछ उसको चाहिए अलग से तो सबोर्डिनेट होगा, चाहिए क्या तो प्रिंसिपल चाहिए। तो सबोर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग जो होता है अपने आप में क्लियर नहीं होता। और उस तरह से एक सेंटेंस कितना क्लॉज कंटेन करता है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस का काइंड होता है। सिंपल सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज केवल चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज से आपका काम चलेगा। कंपाउंड सेंटेंस में क्या चाहिए, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए। कॉम्प्लेक्स में क्या चाहिए, एक प्रिंसिपल और एक सबोर्डिनेट चाहिए। और मिक्स्ड में क्या चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा प्रिंसिपल रखिए और एक सबोर्डिनेट रखिए। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर हम लोग अपने स्टार्ट के क्लास से आए और आज तक के क्लास में आए तो ढेर सारे टर्म से हम लोग रूबरू हो चुके हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी पे हम लोग काम कर चुके हैं, कुछ और भी हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग जो अपना अगला सेगमेंट उस पर काम करेंगे वो हमारा होगा फार्मूला का सेगमेंट। कि इंग्लिश ग्रामर में, चाहे आप इंग्लिश लिखने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, या कोई कंपटीशन फेस करने की बात करते हैं, तो है कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए जिस फॉर्मूला के बेस पे आप टेस्टिंग कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। आपके पास एक सेंटेंस मान लीजिए दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, जिसको कि हम लोग टचस्टोन मेथड कहते हैं। तो आपके पास जो पहले से फॉर्मूला होगा और जो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे उसके हिसाब से हम लोग वहां उसको अप्लाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस इस फॉर्मूला पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर वो खरा उतर रहा है तो वो सही है। तो हम लोग जो फॉर्मूला वाला सेगमेंट करेंगे ये सारे के लिए होगा। हम लोग जो टर्मिनोलॉजी पे भी काम किए थे ये भी सारे लोगों के लिए था, कोई एक ग्रुप हम लोगों का लिमिटेड नहीं है। अब किसी भी क्लास में इसे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग जो फॉर्मूला वाले सेगमेंट पे काम करेंगे उसमें ढेर सारे फॉर्मूला से हम लोग रूबरू होंगे और उस फॉर्मूला को समझने के लिए पहले से तो कुछ टर्म से हम लोग रूबरू हो ही चुके हैं और अब अगर बाकायदा उस जगह कुछ टर्म्स की जानकारी लेनी होगी और अति आवश्यक होगी तो वहाँ पे हम लोग उस टर्म्स की जानकारी करते हुए हम लोग फॉर्मूला पे काम करेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो हम लोग जो बात किए थे कुछ टर्मिनोलॉजी की जानकारी के बाद हम लोग सेंटेंस के पैटर्न पे काम करेंगे, तो 4-5 पैटर्न पे हम लोग काम कर ही चुके हैं और उससे ढेर सारे सेंटेंस जब हम लोग आज की तारीख में बना सकते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मूला पे काम करेंगे हमारा एक फॉर्मूला होगा, उस वो फॉर्मूला किस तरह से खरा उतरता है, उस फॉर्मूला पे किस तरह का सेंटेंस बनता है और उसका यूज करके आप सेंटेंस चाहे बोलने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, लिखने की बात करते हैं या कंपटीशन में क्वेश्चंस को आप फेस करने की बात करते हैं, तो उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करके काम कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग चैप्टर वाइज भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा टर्मिनोलॉजी का जो सेक्शन है इसमें हम लोग ढेर सारे टर्म्स को ले चुके हैं। अब अगले सेगमेंट में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के फॉर्मूला पे काम करेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे हम लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उस फॉर्मूला को समझने के लिए अगर किसी नए टर्म्स की जानकारी हम लोगों को लेनी होगी जिस टर्म्स की जानकारी हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन में नहीं किए हैं तो वहीं पर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग, आज के क्लास के लिए तो यहीं तक रहा और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मूला सेक्शन पर काम करेंगे। एक बात मैं और बता दूँ, चाहे आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स रहें या कोई भी रहें, लैंग्वेज है तो ये तो हमारा बेस है, यहीं से हमारा काम शुरू होता है और किसी भी चीज़ को आप बनाने पढ़ने की बात करते हैं लैंग्वेज में तो छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों के लिए लाइव क्लास की व्यवस्था की जाए और इस लाइव क्लास के लिए जहाँ तक यूट्यूब की बात है तो शायद जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स की बात आती है उसके बाद हम लोग लाइव क्लास पर काम कर सकते हैं। तो खास करके जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन फेस करने से डरते हैं, उनको समस्या होती, तो खास करके उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम शुरू किया है। तो अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हम लोगों का हो जाता है तो हम लोग लाइव होने की बात करेंगे, एक फिक्स टाइम हम लोग करेंगे और चाहेंगे कि कम से कम हम लोग जो लाइव हों तो कम से कम 1 घंटे हम लोग लाइव हों ताकि उसमें जो हों इंग्लिश सेक्शंस को लेकर हम लोग जो भी एग्जामिनेशन में जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के जितने भी सेक्शंस आते हैं उस पर धीरे धीरे हम लोग काम करें। एक दिन हम सोच रहे हैं आपसे रूबरू हों,
ऐसी बातों को लेके कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए इंग्लिश में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उस समस्याओं को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, किस किस सेगमेंट पे काम करके, ताकि आप अपने पर्सनल लेवल पे भी उस सेगमेंट पे उस तरह से काम करें तो हम लोग धीरे धीरे उस पर अपना कमांड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, विशेष नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।